मोदी सरकार एवं दिल्ली पुलिस द्वारा की गई शर्मनाक घटना के विरोध में कांग्रेसियों ने केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला फूंका। रिपोर्ट सतनाम सिंह, पाकुड़। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के निर्देशानुसार सोमवार शाम को कांग्रेस कार्यालय के समक्ष मोदी सरकार एवं दिल्ली पुलिस द्वारा की गई शर्मनाक घटना के विरोध में केंद्रीय गृह मंत्री का पुतला दहन कर उनके विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदेश सचिव सेमिनुल इस्लाम व अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहीन परवेज ने बताया कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के परम मित्र अडानी को बचाने एवं सच्चाई को छुपाने की कवायद में पूरी तरह बौखला गई है। अडानी मामले में राहुल गांधी जी के सवालों से प्रधानमंत्री मोदी बुरी तरह घबरा हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं द्वारा साझा किए गए अपने दर्द एवं समस्याओं के विषय में 45 दिनों बाद दिल्ली पुलिस द्वारा राहुल गांधी जी के घर जाकर पूछताछ की कार्रवाई मोदी सरकार की कायराना एवं तानाशाही रवैया को दर्शाता है। मौके पर प्रदेश सचिव सेमिनुल इस्लाम, जिला प्रवक्ता मुख्तार हुसैन, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शाहीन परवेज, जिला सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर नलिन मिश्रा, युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष बेलाल शेख, लड्डू शेख, अली हुसैन, गैब्रियल हेम्ब्रम, मो सिराजुद्दीन, मातीउर रहमान, हबीबुर रहमान, अबू ताहिर, पियारुल इस्लाम, फिरोज अली, नसीम आलम, मिथुन मरांडी, अजमल शेख आदि मौजूद थे। हम देख रहे हैं केंद्र सरकार अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये डिक्टेटरशिप राजनीति करने वाले राजनेता हैं। आज इस लोकतंत्र में अगर जनता के हित में कोई बात बोली जाती है तो तुरंत जो है पुलिस भेज दिया जाता है घर पर, ईडी जो है घर पर भेज दिया जाता है। ये नरेंद्र मोदी की विफलता का जो है आज ये सरकार, जो विफल सरकार चल रही है, जिस तरह से हमने देखा कि ये पद यात्रा में हमारे राहुल गांधी जी जब कश्मीर गए तो वहाँ कश्मीर में महिलाएं लोग जिस तरह से कह रही थी कि हमारे साथ जो है यौन शोषण किया गया, तो उसकी बात अगर मीडिया के सामने लाया जाता है राहुल गांधी जी के द्वारा, तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है इस तरह से राजनीति करने लगे हैं कि तुरंत जो है राहुल जी के घर पर पुलिस भेज दिया। इस तरह से द्वेष राजनीति करने वाले का हम लोग विरोध करते हैं, वो संपूर्ण भारत के कांग्रेस पार्टी जो है विरोध करती है। आज उसी के आलोक में अमित शाह गृह मंत्री के पुतला दहन हम लोग पाकुड़ जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया है। अगर इस तरह से द्वेष की राजनीति करते रहेंगे तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे इसके विरोध में।